तो ये हमारा ड्रिंक हो गया है रेडी। आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है स्पून की हेल्प से और फिर आपने इस ड्रिंक को आराम से बैठकर सिप सिप करके पीना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? जैसा कि आप जानते हो गाइस कि समर सीजन स्टार्ट हो गया, तो समर स्टार्ट होते ही जो है ना हम लोग बहुत ही ज्यादा नींबू पानी पीते हैं। समर सीजन ऐसा सीजन होता है जिसमें हमें बेवरेज ड्रिंक्स वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, ठंडे ठंडे कूल कूल लगते हैं। लेकिन मार्केट वाले सब छोड़ो, लेकिन अगर आप जब नींबू पानी की बात करें तो जो लेमन वाटर है ये हमारी बॉडी को डीपली हाइड्रेट रखने के लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है, फ्रेश फील कराता है, हमें बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं हम लेमन वाटर पीकर, तो अच्छा रहता है, समर में बढ़िया रहता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि नींबू पानी को हम एक अलग फॉर्म में अगर कंज्यूम करें तो वेट लॉस के लिए वो कितना ज्यादा बेहतर हो सकता है? नहीं जानते ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी फ्रेंड आज आपके साथ शेयर करूंगी कि नींबू पानी को अगर आप वेट लॉस के लिए यूज करते हो, वेट लॉस के लिए इसको कंज्यूम करते हो, तो आपका वजन जो है वो कैसे तेजी से कम हो सकता है। बट एक छोटा सा डिफरेंस है, आप जो है नींबू को ठंडे पानी में मिक्स करके ठंडा ठंडा ड्रिंक बनाकर पीते हो, इसलिए वो आपको अच्छा लगता है, हाइड्रेट भी रखता है अंदर से। लेकिन वेट लॉस के लिए आपने जो है ना पानी ठंडा नहीं लेना है, तो क्या प्रोसीजर है वेट को कम करने का नींबू पानी से, वो सब आपको आज की वीडियो में पता चलेगा। बड़ा ही इंफॉर्मेशनल वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलो फटाफट से देख लेते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए गैस पर मैंने एक पैन रखा है और पैन में मैंने यहाँ पर एक बड़े वाला कांच का मग भर के पानी का डाला है और इस पानी को आपने अच्छा खासा गर्म करना है। वैसे मैं इस पानी को तेज गर्म वाला लूंगी, आप चाहें तो लूक वॉर्म भी यूज कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना है कि ठंडा पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल ताजा पानी नहीं होना चाहिए, गर्म जरूर करना है, ठीक है। और इसी मग के अंदर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया है दोबारा से, और अब इसके अंदर आपने डालना है लेमन जूस। लेमन आपने बिल्कुल फ्रेश फ्रेश लेमन का जूस जब इसके अंदर डालोगे आप तो काफी अच्छा रहता है। ये विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, साथ साथ आपको एनर्जेटिक बनाएगा, और हाइड्रेशन से भरपूर ये ड्रिंक जो है ना आपकी बॉडी के अंदर जो है ना एक फिटनेस लाएगा। एक रेगुलर ड्रिंक जब आप लेते हो तो उससे ओवरऑल फैट भी मेल्ट होता है बॉडी से और बॉडी फिट भी रहती है, किसी तरह का कुछ भी गलत वाली फीलिंग नहीं आती, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट रहती है, तो हम हर तरीके से जो है ना अच्छा फील करते हैं। तो आपने इसके अंदर उसके बाद डालना है स्वादानुसार नमक, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे कि हम नमक नहीं ले सकते तो वो स्किप भी कर सकते हैं, बट काली मिर्च का पाउडर आपने जरूर जरूर ऐड करना है। काली मिर्च जो है ये आपके वेट को तेजी से कम करने में हेल्पफुल करेगी, और साथ साथ ये भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। किसी को भी हल्की फुल्की कफ या फिर कोल्ड हो तो उसके लिए काली मिर्च बहुत अच्छी रहती है। तो ये हमारा ड्रिंक हो गया है रेडी, आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है स्पून की हेल्प से और फिर आपने इस ड्रिंक को आराम से बैठकर सिप सिप करके पीना है। ये ड्रिंक ओवरऑल बॉडी से फैट को मेल्ट करने के साथ साथ एक रेगुलर ड्रिंक की तरह आपका लेमन जूस, लेमन एड, लेमन ड्रिंक कुछ भी कह सकते हो इसको, ये तैयार हो जाएगा। इसको डेली पीजिए और अपने वेट को कंट्रोल में लाइए, और साथ साथ दिन भर की फ्रेशनेस चाहते हो, अगर आप दिन भर एनर्जेटिक फील करना चाहते हो तो इस ड्रिंक को जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर का काम भी करता है ये ड्रिंक। सो गाइस, आई होप आपको आज का वेट लॉस फॉर्मूला बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ना, टेस्ट भी बढ़िया आया और हमारा वेट भी इजिली कम हो गया, तो काफी अच्छा फॉर्मूला है, जरूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन इसको ट्राई करने के साथ साथ आपने वर्कआउट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, फ्राइड फूड, जंक फूड, डेयरी आइटम सारी के सारी अवॉइड करनी है, और फिर जाकर आपको जो है ना इस ड्रिंक का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मिलूंगी आपको अनदर फैंटास्टिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बाय।